ओके सो व्हाट्सअप गाइस, कैसा हो सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से न्यू गेम वीडियो के अंदर। और आज हम जाने वाले थे GTA San Andreas वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि गाइस यार आज का दिन अपने काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। बिकॉज ऑफ यार गाइस, आज हम खड़ी करने वाले हैं अपनी भाई भयंकर वाली आर्मी को खड़ी करने वाले हैं। मतलब कि हम लोगों को करना है बहुत ही बड़ा गैंग वार, वो हमारा किस होने वाला है वो आप लोग को यार आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले यार हम लोगों को करनी है अपनी आर्मी खड़ी। लेकिन उससे पहले हम लोग को यार किसी एक बंदे के लिए भाई एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैंगस्टर है, उसके लिए छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। तो चलते गए फिर, तो देखते हैं भाई क्या काम करना है उसका। एक्सपो तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने घर के बाहर। और गाइस यार आज भाई हम लोग पास कुछ भी खाने पीने का टाइम नहीं है, इसलिए भाई फटाफट से अपनी भाई नॉर्मल कार को उठाते हैं। सुपर कार से नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज यार हम लोग अपने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े गैंगस्टर मिलने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद अपनी सुपर कार लेकर चलने का फायदा अलग है यार, अपनी सुपर कार का मैटर हो जाए उससे। तो गाइस यार हम लोग नॉर्मल गाड़ी लेकर जाने वाले हैं यहाँ से, और चलते हैं सीधे उसके पास। भाई उसने फ़ोन में भाई कुछ तो बताया था कि भाई वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो चल के देखते हैं भाई वो मिलता है या फिर नहीं मिलता। और भाई उसका भाई काम भाई मैं बताऊंगा तो आप लोग भी सोचो भाई सिटी का इतना बड़ा गैंगस्टर भाई मुझसे इस तरह काम करवा रहा है। तो गाइस यार भाई वो मुझसे भाई एक चोरी करवाने वाला है। चोरी किस चीज़ की वो मैं बताऊंगा ना तो भाई आप लोग भी चौंक जाओगे, भाई इतना बड़ा गैंगस्टर भाई इतनी छोटी सी चोरी करवाएगा। मतलब कि गाइस यार वो भाई खेतों से भाई उनकी ट्रैक्टर उठवाने वाला है। मतलब कि गाइस समझ रहे हो यार, भाई इतना बड़ा गैंगस्टर होगा भाई ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं उसके पास। लेकिन चलो गाइस उसके बदले में भाई वो हम लोग को भाई 10-20 बंदे देने वाला है। तो गाइस हम लोग के लिए यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या आई होगी। तो फिलहाल थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हम लोग को पास उसके पास पहुंचने के लिए, तो थोड़ा बहुत टाइम का वेट कर लेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोग को सीधा उससे मिलने के बाद, लेट्स गो। तो फिलहाल गाइस यार अभी मैं उसके पास आ चुका हूँ। भाई उसके पास तो भाई पूरी तरह के बंदे बैठे हैं, भाई यहाँ पे देखो भाई सीटी बजा रहा बैठे। तो फिलहाल गाइस अभी उसका आने में वेट कर लेते हम लोग। और आई थिंक भाई वो आ भी चुका है मेरे ख्याल से, भाई उसका बंदा नहीं मतलब कि यार उसका कोई मैनेजर नेजर है, क्योंकि यार उसके यहाँ पर देखो ना तो भाई ये मेन बॉस नहीं है। फिलहाल मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ आराम से। और भाई फिलहाल वो जो बंदा है ना भाई वो फोन पे, मतलब कि यार गाइस अभी हम उससे मिल नहीं पाने वाले हैं। तो हम लोग की उसके मैनेजर से बात होने वाली है, भाई हम लोग सारा काम समझाने वाला है कि यार कौन सी लोकेशन से ट्रक उठा के लाना है। तो ठीक है गाइस यार अभी उसका ना वेट कर लेते हैं इसके मैनेजर का। बाकी पुलिस वाले तो आराम से चिपक भाई सीटी बजा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिलहाल गाइस मेरे ख्याल से भाई वो बंदा जो है वो भी भाई आ ही गया, क्योंकि यार उसकी आवाज़ तो आ गई हम लोग को। तो फिलहाल गाइस जैसे आप लोग देख ही सकते हो भाई वो बंदा यहाँ पे आ चुका है। और गाइस ये सारी सारी चीज़ें हम समझा रहा है कि यार हम लोग कौन से मिला के ट्रैक्टर को ट्रैक्टर देने वाले हैं, क्योंकि यार गाइस जिस एरिया में लोग जाने वाले हैं ना भाई वो पूरा पूरा भाई ट्रैक्टर बना हुआ है। मतलब कि गाइस यार वहाँ पे कोई और सुपर कार नहीं चलने वाली है, कोई भी कार नहीं चलने वाली। तो हम लोगों को लेके जाना होगा एक ट्रैक्टर को वहाँ पे चलने के लिए, और जाना होगा भाई झाड़ियों के रास्ते से। तो मतलब कि समझ रहे हैं हम लोग रोड से ना जाके भाई झाड़ियों के रास्ते जाना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस अभी लोग बाहर आ चुके हैं, फटाफट से साथ अपने ट्रैक्टर को और चलते हैं भाई सीधा उसी लोकेशन की तरफ। रुको बाकी भाई ट्रैक्टर तो भाई पहली बार चला रहे हम लोग, पता नहीं भाई कैसी ड्राइविंग होगी अपनी, फिर भी देखते हैं गाइस है तो भाई कार जैसा थोड़ी बहुत अंतर है, तो उसको हम लोग देख लें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल शॉर्ट करते हैं भाई, शॉर्ट करने का प्रोसीजर भी भाई कितना ज़्यादा अजीब है इसका। तो फिलहाल गाइस अपना जो ट्रैक्टर भाई शॉर्ट हो गया है भाई निकालते हैं रोडों से, फिर इससे भाई झाड़ियों के रास्ते लेके जाने वाले, मतलब कि यार जंगल से लेके जाने वाले हम लोग, इससे भाई रोडों के रास्ते से लेके जाने वाला नहीं रह गया। मतलब कि गाइस देख रहे हो भाई एक ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये देखो भाई कितनी तेज आ रहा था। तो फिलहाल इसको हम लोग निकालते हैं भाई जंगल रास्ते भाई जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल निकालते हैं सीधा, देखते हैं भाई हम लोग को आखिरकार कितनी देर लग जाती है एक गैंगस्टर के पास पहुँचने में। तो गाइस यार अभी भाई इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है भाई, यहाँ पे या तो भाई सूरज ढल रहा है या तो भाई बादल आ गए, मतलब यार वो देख सकते हो भाई शाम जैसा माहौल लग रहा है। फिलहाल यार मेरे ख्याल से सूरज डूब भी रहा है, क्योंकि हम लोग टॉप पे आ चुके हैं भाई, वहाँ पे भाई कुछ खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से भाई, यहाँ पे कुछ बंदे अंदर भाई किसी गाड़ी खड़ी हुई है। तो भाई सब कितनी मस्त गाड़ी है भाई, ये कस्टम कार है भाई, यार लोग देख ही सकते हो यहाँ पे, ये भाई कस्टम कार है, मतलब यार अलग से बनवाई गई है भाई। ये गाड़ी होती है ना भाई हाजी चलती है भाई, ऑफ रोडिंग भी लेती है और सुपर कार को भी टक्कर दे देती है भाई। इसे तो भाई मैं लेके जाने वाला हूँ यार, अभी भाई मेरे को भले जितना टाइम लग जाए भाई मैं इस गाड़ी को वापस भाई उधर पर छोड़ के आने वाला हूँ। तो गाइस यार अभी मैंने इसे जॉइन कर लिया अपनी ट्रैक्टर में भाई, इससे पहले मैं छोड़ के आने वाला हूँ, फिर भाई मैं सीधा मिलता हूँ आप लोगों से उस विलेज में पहुँचने के बाद। तो फिलहाल गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं उसी विलेज की तरफ। और गाइस ये जो आप लोग क्रेन देख पा रहे हो ना गाइस, यही हम लोग उठानी है भाई, यही उस गैंगस्टर को चाहिए जो कि यार वो उठा नहीं पा रहा है। क्योंकि गाइस यार यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा भाई विलेजर्स भाई इतने यार खतरनाक है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे इस क्रेन को चलाने में भाई बच्चों खेल नहीं है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग को एक ग्रीन वाला ट्रैक्टर मिल गया है, तो इसको उठाते हैं चलते हैं भाई, देखते हैं एंट्री मिलती कि नहीं। बाकी यार एक बंदा तो भाई गन लेके ऐसे खड़ा है कि जैसे भाई विलेज में नहीं भाई मैं आर्मी स्टेशन में आ गया हूँ,
तो फिलहाल देखते हैं भाई अंदर जाके क्या सीन होता है। तो फिलहाल गाइस भाई मैंने अंदर इधर तो आ चुका हूँ, फटाफट से ट्रैक्टर में बैठते हैं, बाकी बंदा भाई अटैक ना करे तो वही अच्छा रहेगा। बाकी भाई साहब कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस जरिए मेरी तरफ अटैक कर रहा है, तो फिलहाल भाई इग्नोर करो यार, भाई आर्मर पहन के आए हुए हम लोग, और भाई इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी गन लेके आया हूँ भाई मैं आज, कि भाई मैं आज यहाँ पे भाई रुक रुक के चोरी निकलने वाला हूँ भाई, खुला जाऊँगा गाड़ी उठाऊंगा निकल लूँगा यहाँ से भाई। मेरे को आज भाई बंदे चाहिए किसी भी हालत में भाई, 10-15 जितने मिलने देखो, क्योंकि यार हम लोग जो गैंग वार होने वाला भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला हो सकता है, वो GTA San Andreas और सेंटर का सबसे बड़ा VSV युद्ध बन जाए, तो थोड़ा बहुत देखेंगे उसे। फिलहाल अभी अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करते हैं, जब फटाफट से अपनी गाड़ी देते, बस कुछ नहीं करना मेरे को। तो फिलहाल गाइस उन्होंने इसे कुछ भी नहीं कहा है, फटाफट से गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं सीधा घर की तरफ को अपने। तो फिलहाल गाइस ये थोड़ा सा खेतों में चलाने वाला नहीं, क्योंकि यार आप लोग देख ही सकते हो भाई कैसे कैसे अपने अपने पास से भाई वीट को निकाला है। तो गाइस अभी फिलहाल निकलते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि भाई ये बंदे भाई कुछ कम नहीं है भाई, इनके पास बहुत भयंकर भयंकर गन है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं सीधा भाई अपने उसी दोस्त के पास और उसकी गाड़ी देते हैं फटाफट से, और देखते हैं भाई क्या सीन होते हैं आगे। फिलहाल गाइस यार ये लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं भाई मेरे को रोकने की, लेकिन भाई मैं नहीं रोकने वाला। तो फिलहाल गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने दोस्त के पास, जिसको हम लोग ये ट्रक देना था। तो फिलहाल गाइस मैंने उसे आला ट्रक जो है वो दे दिया है, और भाई अब वो कहने वाला है कि तुम तो थोड़ी देर में भाई हम लोग मतलब इनके बॉस की कॉल आने वाली है मेरे को, और वो भाई सारी सारी चीज़ें बताने वाला है कि भाई हम लोगों को क्या है इनाम देने वाला है। तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से भाई आई थिंक उसकी कॉल आ भी गई। तो भाई मैंने फ़ोन निकाल लिया है और भाई मेरी उससे बात हो रही है, और गाइस यार वो बता रहा है कि भाई उस हम लोगों ने भाई उसका काम बहुत ही अच्छे से कर दिया, भाई वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और गाइस हम लोग जो गाड़ी उठा के लाए हुए थे उसने वो भी हम लोग को दे दी है, साथ ही में भाई उसने कहा कि भाई अब फ़ोन रखो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें अपने गिफ्ट घर में तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। मतलब कि गाइस मेरे ख्याल से भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देने वाला है, बाकी बंदे के बारे में कुछ कहा नहीं उसने कि भाई कब देगा वो, तो देखते हैं। फिलहाल अभी घर चलते हैं, देखते हैं भाई क्या गिफ्ट दिया उसने। तो फिलहाल गाइस अपनी कस्टम कार को उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, और देखते हैं भाई क्या बॉडीगार्ड्स दे दिए उसने या फिर नहीं। फिलहाल गाइस यार अभी तो गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो इसको भी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगी, चलाएंगे आगे चल के कभी। लेकिन अभी भाई मेरे को घर जाना है, देखना भाई सरप्राइज में बॉडीगार्ड्स मिले या फिर क्या मिला हम लोग को। तो फिलहाल फटाफट से यहाँ पे जितनी जल्दी अपनी गाड़ी को निकाल सकते निकालते हैं, फिलहाल गाड़ी तो भाई काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है। तो गाइस यार मैं मिलता हूँ आप लोगों सीधा घर पहुँचने के बाद। तो गाइस 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 अभी हम आ चुके हैं घर की तरफ को, और आप लोग भाई मेरी खुशी समझ रहे हो भाई हम लोग क्या हुआ। यस गाइस यार उसने भाई गिफ्ट में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ दी है, अब यार आप लोगों से क्या छुपाना यार। गाइस आप लोग भी देख सकते हो भाई उसने हम लोग को सारे के सारे यानी कि पूरे के पूरे 11 बॉडी गार्ड्स दिए हैं भाई। ये 11 बंदे इधर हैं, एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है, तो हम लोग पास भाई 10 मेन बॉडी गार्ड्स हो चुके हैं, जो कि गाइस हम ही लोग की बात मानने वाले हैं। और गाइस यार अभी आप लोग को लग रहा होगा अपना जो सीन होने वाला है काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं, और भाई इनको मैंने क्यों बुलाया है, क्या यूज़ करने वाला वो आप लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो गाइस यार फाइनली भाई हम लोग के पास भी आ चुके हैं अपने कुछ थोड़े थोड़े बंदे, जो कि हम लोग के गैंगवार में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले। तो आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, आई होप लोगों को मजा आई होगी, मजा आई तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं हम लोग आपसे इस वीडियो में तक बाय बाय।